हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अरिमर्दन सिंह आपसे एक महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूँ। हमारे शरीर में हमारे डेंचर का बहुत महत्व है, दांतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे उसका हमारे मुस्कुराने से संबंध हो, हंसने से संबंध हो, या खास तौर पर भोजन को चबाने से उसका संबंध है। दांतों की महत्ता उस व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं जिसके दांत उखड़ गए हों और उसके डेंचर नहीं हो, तो भोजन चबाने में उसको कितनी दिक्कतें होती हैं या बोलने में कितनी दिक्कतें होती हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो जितना दांतों का महत्व हमारे भोजन को चबाने में है, उतना ही बोलने में उसकी जरूरत पड़ती है। और चेहरे का सही आकार, आपके फेस का जो प्रॉपर शेप है, उसको भी देने में दांतों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि अगर दांत नहीं है तो चेहरे में गाल अंदर धंस जाते हैं और गड्ढे हो जाते हैं। तो डेंचर का ख्याल रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंपल सा है कि सुबह जब आप उठें तो अपने दांतों को आपस में टकराइए। ये जो दाढ़े हमारी हैं, इनको टकराना है आपस में। कुछ लेटे लेटे भी ये काम कर सकते हैं, जग गए तो, या बैठ करके आपस में टकराना है। 50 बार, 60 बार, 100 बार तक कर सकते हैं। इसके बाद जीभ को दांतों और होंठों के बीच में रख करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जितना आप कर सकें तो इसको घुमाना है। इसके साथ ही आप जब वॉशरूम जाएं और या टॉयलेट जाएं, यानी मल मूत्र त्याग करते समय दांतों को बिल्कुल लॉक करके कस के दबा करके रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक तो आपको वहाँ जो दुर्गंध है, मुंह ना खुलने से दुर्गंध भी अंदर नहीं जाएगी, जो हानिकारक जीवाणु वगैरह भी जाते हैं वो भी नहीं जाएंगे, और आपका जो लॉक रहने से जो जबड़े हैं उनको बहुत फायदा इससे मिलता है, और आपका डेंचर जो है काफी लंबे समय तक इंटैक्ट रहता है, काम करता है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि दांतों में जो हमारे मुंह का तापमान है, उससे अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडा कोई भी पेय या कोई भी खाद्य पदार्थ है वो हमें नहीं लेना है। क्योंकि उससे क्या होता है, तुरंत आप गर्म पदार्थ लेंगे मुंह के तापमान से ज्यादा, तो वो हमारी जो दांतों की नर्व्स हैं उसको बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है, और वो नर्व्स जो हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं। तो इससे दांतों को बहुत नुकसान होता है, दांतों में ठंडा गर्म पानी फिर लगना शुरू हो जाता है, और अगर दांतों की ठीक से सफाई नहीं की गई तो भी उसमें सड़न पैदा हो जाती, कैरीज हो जाता है, और धीरे धीरे जाकर के जब स्थिति खराब हो जाती है तो डॉक्टरों को या तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है या फिर दांतों को उखाड़ ही देना पड़ता है। क्योंकि उससे दर्द बढ़ता है, नर्व हमारी सेंसिटिव होती है तो दांतों में दर्द बढ़ता है। इसलिए ये ऐसा ना करें और दांतों की अच्छी तरह से सफाई करें। मैं दांतों की सफाई के लिए, मुंह की सफाई के लिए एक साधारण सा घरेलू जो है चीज बता रहा हूँ। आप सेंधा नमक लीजिए, सेंधा नमक सभी लोग जानते हैं। सेंधा नमक ले करके उसको बारीक पीस लेना है, और फिर पीसने के बाद भी कपड़े से छान लेना है। कपड़े से छानने के बाद उसमें थोड़ी सी पिसी हुई बारीक हल्दी मिला लीजिए अपने हिसाब से, और उसको इस मिश्रण को रोज जब मंजन करते समय सुबह अपने हाथ में रखिए थोड़ा सा, या चम्मच में लीजिए, और उसमें सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल मिलाना है थोड़ा सा, और मिलाने के बाद उसको आपस में मिला करके फिर उंगली में ले करके उस तेल मिले हुए नमक को जो है उसको उंगलियों पे रगड़ना है, मसूड़ों पे धीरे धीरे करके थोड़ी देर तक रगड़ना है ऊपर नीचे जो है। और इसके बाद उस जो पानी लार मिला हुआ तेल मुंह में आ जाता है उसको मुंह में थोड़ी देर तक इस तरह से चलाना है। चलाने के बाद उसे आप थूक सकते हो, आप उसके बाद ब्रश भी कर सकते हो। जो चीज़ दांतों में अगर कुछ फंसी हुई है फिर भी,
तो उसे निकाल सकते हो। वैसे वो सेंधा नमक जो है पूरा काट करके उसको निकाल देता है, जीभ के मैल को भी काट करके निकाल देता है। आपको टंग क्लीनर की भी हो सकता है जरूरत ना पड़े, फिर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये इसको आप सुबह कर सकते हैं और शाम को सोने के पहले भी कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली ये एक प्रयोग है और ये बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता है और दांतों के स्वास्थ्य रक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खुद करके आजमा सकते हैं, देख सकते हैं, और मैं स्वयं इस चीज़ को करता हूँ और बहुत ही ये प्रभावशाली है। अपने मित्रों, इष्ट मित्रों को, साथियों को भी इसकी जानकारी देता हूँ। और याद रखिए, अगर आपके दांत स्वस्थ हैं तो आपका स्वास्थ्य बरकरार है। जब भी दांत में गड़बड़ी आती है और अगर दांतों में कुछ इस तरह की उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई और दांत न रहना शुरू हुए, उखाड़ना उखाड़ना पड़ा शुरू हुए, तो समझ लीजिए कि स्वास्थ्य का ग्राफ बड़ी तेजी से गिरना शुरू होता है, क्योंकि हम दांतों के द्वारा जो है भोजन को अच्छी तरह से चबा नहीं पाते हैं, उसमें अच्छी तरह से सलाइवा हमारा लार नहीं मिल पाता है। तो अच्छी तरह से चबाने में कमी जो रह जाती है, उसके कारण भोजन हमारा बहुत छोटे छोटे से जो टुकड़ों में बंटता है वो नहीं हो पाता है। तो पाचक रस के जो काम करने का जो एरिया है वो नहीं मिल पाता है, यानी भोजन ठीक से पचता नहीं है। और जब भोजन ठीक से पचेगा नहीं तो जो भी आप खाएंगे उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो आपकी आंतें अवशोषित नहीं कर पाएंगी और वो आपके शरीर में जाएगा नहीं। फिर आपके शरीर में जो पौष्टिक चीजें नहीं जाएंगी वो ऐसे ही निकल जाएंगी बिना पचे हुए। तो चाहे कितना भी पौष्टिक चीजें आप खाएं, आपका स्वास्थ्य जो है वो सुधरेगा नहीं। तो दांतों को स्वस्थ रखिए, उनको बनाए रखिए, उनके स्वास्थ्य को, और इन बातों का ध्यान रखिए कि उसमें ठंडा गर्म चीजें हम अचानक से उसको ना दें शरीर से ज्यादा तापमान की, और सुबह शाम उनकी सफाई करें, तभी हम दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद।